हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित कटारिया। आज की वीडियो में बात करने लगा हूँ टाटा टिगोर सीएनजी के बारे में। ये एक्जेड वेरिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके की इस गाड़ी का लुक मिलता है। यहाँ पर आपको जो क्रोम मिलती है, हेडलाइट जो है आपको जो है हेलोजन मिली गई है। यहाँ पर जो है आपको जो क्रोम इंसर्ट दिया गया फॉग लैम्प के ऊपर। यहाँ की साइड की अगर बात करें तो यहाँ भी आपको फॉग लैम्प दिया गया। पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया यहाँ पर। बम्पर के लोअर पार्ट पर जो है आपको मैट ब्लैक मिलेगा। फ्रंट ग्रिल भी आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है। की कुछ इस तरीके से है इस गाड़ी की, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी की दी गई है। सफारी वाली और जो अल्ट्रोज वाली की आती है टॉप मॉडल में, ये वही वाली की है। तो आपको दोनों ही सेंटर लॉक वाली की दी गई है। बात करें इसके टायर सेक्शन की, तो टायर सेक्शन आपको जो है कुछ इस तरीके से दिया गया है, जो कि 175R14 रहेगा। एक्जेक्ट वेरियंट है तो आपको जो है ये व्हील कवर भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो है ऑटो फोल्डेबल मिरर्स भी मिलते हैं और यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का मिरर है। बॉडी कलर आपको मिरर मिलते हैं। यहाँ पर की साइड अगर बात करें तो यहाँ भी आपको जो क्रोम का टचअप दिया गया है और जो आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, कुछ इस तरीके से है। तो काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर इस गाड़ी के अंदर दे दिया, तो काफ़ी अच्छा और कन्वीनियंट फीचर है ये। डोर कुछ इस तरीके से है इस गाड़ी का। ये चीज़ जो है मेरे को पसंद नहीं है, तो इस चीज़ को अपडेट कर देना चाहिए टाटा को, जो कि टियागो में भी अपडेट कर दिया है। कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का इंटीरियर है। तो यहाँ पर आपको जो पुस्टा स्टॉप बटन भी दे दिया गया है एक्जेक्ट वेरिएंट के अंदर। व्यू सिस्टम कुछ इस तरीके से है। ये आपका टच स्क्रीन व्यू सिस्टम नहीं है, 3 इंच व्यू सिस्टम है, जो कि 4 स्पीकर्स के साथ आएगा। और यहाँ की साइड अगर जो हम बात करें तो ये बिल्कुल कुछ टच की तरह ही लगता है। नीचे की साइड अगर हम बात करें तो नीचे की साइड आपको जो है सबसे स्पेशल चीज़ जो है CNG का बटन, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत अनोइंग टाइप का लगा, क्योंकि इधर की साइड लगा दिया, इधर की साइड लगे। बटन की जो है प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी करी गई है इस गाड़ी के ना। यहाँ पे जो आपको लॉक का बटन दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है, कुछ इस तरीके से रहेगा। और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पहले जो है आपको जो लॉक का बटन जो है इधर से ही आपको लॉक इस तरीके से करना पड़ता था, तो ये थोड़ा सा अनोइंग होता था। तो ये जो आपको लॉक का बटन इधर दे दिया गया, तो काफ़ी बढ़िया बात है। मैनुअल AC आपको जो ऑफर किया गया, ये 5-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 12 वॉट का भी आउटपुट आपको यहाँ पे दे दिया गया है इस बार, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको जो पीछे से भी अब 12 वॉट का आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी आपको 12 वॉट का आउटपुट दिया है। यहाँ पर आपको जो USB पोर्ट दिया गया, ऑक्सो पोर्ट नहीं दिया गया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको जो है फ्यूल का और यहाँ की साइड जो आपको CNG का जो है गेज मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और नीट एंड क्लीन जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है CNG का जो है लोगो शो हो रहा है। यहाँ की साइड जो है आपका जो है CNG का गेज है, क्योंकि आपकी जो है कितनी CNG है। तो काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव जो है इसका जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके से है। बात करें इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस आपको कुछ किस तरीके का दिया गया है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ICNG का लोगो मिलेगा, क्योंकि ये CNG वेरिएंट है, टिगोर की बैजिंग। यहाँ पर आपको बटन भी दिया गया है, जिससे मतलब आप बूट खोल सकते हैं। ये है आपका जो है CNG, जो कि 12 किलो का इसके अंदर सिलेंडर रहेगा। काफ़ी प्रैक्टिकल बूट स्पेस है इस गाड़ी का, क्योंकि जो है आप जो पूरा बूट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये हिंजेस जो है इसके अंदर नहीं जाते, जो जिसकी वजह से आप पूरा बूट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी स्पेस बन रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं आपको जो है इस तरीके से दिखा दूँ, तो काफ़ी स्पेस है। तो आप अच्छे खासे अपने 3 लगेज जो है इधर की साइड खड़े करके रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी प्रैक्टिकल बूट स्पेस इसके सेगमेंट में मुझे इस गाड़ी का लगा है। क्योंकि और गाड़ी का लगा नहीं, क्योंकि और गाड़ी के जो हिंजेस अंदर जाते हैं, तो आप जो ये वाला जो है यूज़ नहीं कर सकते। और ख़ासकर बात ये है, इस गाड़ी को जो है आप यहाँ का भी अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करा गया है। तो सिलेंडर जो है कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का रहेगा। तो बूट स्पेस इस गाड़ी का कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर हम फिलिंग वॉल की बात करें, तो फिलिंग वॉल जो है कुछ इस तरीके से रहेगा इस गाड़ी का, वहीं से रहेगा जहाँ से आप जो है पेट्रोल डलवाते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। तो फिलिंग वॉल जो है इस गाड़ी का
आपका इधर की साइड ही मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ की साइड से आप जो है सीएनजी भरवा सकते हैं, वो आफ्टर मार्केट वाला जो चोचले गए हैं, जो आप आगे से जो है बोनट उठवा के जो है सीएनजी भरवाते थे, वो चीज़ जो आप ख़त्म हो गई है, तो अब जो है आप यहीं से भरवा सकते हैं। और सबसे स्पेशल बात ये है कि अब जो आपकी गाड़ी वारंटी में भी रहेगी, जब आफ्टर मार्केट जो आप सीएनजी डलवाते थे या फिर इंस्टॉल करवाते थे तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाती थी और उसके बाद जो है कोई भी कंपनी क्लेम नहीं करती थी। तो अब जो है ये भी आपकी टेंशन ख़त्म हो गई है कि आप कंपनी से ही जो है वो जो सीएनजी वेरिएंट अब मिलने लगा है। अगर रियर की बात करूँ तो रियर में कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का लुक है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दिएगा, खास करके जो क्रोम देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छी लगती है बम्पर के लोअर पार्ट पे। यहाँ भी आपको क्रोम इंसर्ट दिया गया है, यहाँ भी आपको जो है क्रोम का टचअप दिया गया। खासकर इस गाड़ी की लाइट जो है क्लियर एलईडी टेल लैम्प से काफ़ी बढ़िया लगते हैं। यहाँ पर आपको हाई रूफ स्टॉप लैम्प दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ा है। रियर डिफॉगर जो आपको नहीं मिलता इस गाड़ी के अंदर, तो वो चीज़ जो है इसमें कमी है। थोड़े से इस गाड़ी के अंदर कॉस्ट कटिंग करी गई है, बट ठीक है, आपको जो है सीएनजी भी तो वेरिएंट के अंदर मिल दिया, जो कि कंपनी फिटेड है। तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का साइड लुक है। यहाँ की साइड की अगर बात करें, यहाँ पर आपको शार्पिंग एंटीना नहीं मिलता, यहाँ पर आपको डंडी वाला एंटीना दिया गया है। तो कुछ फीचर इसमें ज़्यादा दिए गए हैं, कुछ फीचर इसमें लो दिए गए हैं। तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का लुक है। यहाँ भी आपको जो है बॉडी कलर जो ORVM दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा इस गाड़ी का लुक दिया गया है। अगर बात करें इंजन की, तो इंजन जो है कुछ इस तरीके से आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है, जो कि कुछ ये रहेगा CNG के अंदर। मैं आपको CNG की फिटिंग दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से रहेगी। तो काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन इंजन दिया, आपको पता नहीं चलेगा कि CNG जो है कहाँ पे फिट हुई है। पीछे की साइड जो है CNG फिट करी गई है, इसके जो भी वॉल्स है सब कुछ जो है पीछे की साइड रहेंगे, इंजेक्टर भी जो है पीछे की साइड ही रहेंगे, तो आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे जो है CNG वेरिएंट, जबकि ये CNG वेरिएंट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो है CNG वेरिएंट है, जैसे कि आप देखते हैं ICNG, तो CNG वेरिएंट है ये, और फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है कि इतनी अच्छी तरीके से, मतलब R&D करके जो है इस गाड़ी को है बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि बना दी और दे दी। तो मुझे तो ये काफ़ी गाड़ी अच्छी लगी है। एक चीज़ मैं आपको अटन करूँ, ये आपको जो है एडजस्टेबल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, ऑटो फोल्डेबल नहीं मिलते हैं। तो ये थी आपकी टाटा टिगोर CNG XZ वेरिएंट। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।